रघुपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा धमाकेदार है, तो वही फिल्म के ट्रेलर से दर्शकों को क्लियर हो गया है कि इस फिल्म में उनको उनके पसंदीदा एक्टर थालापति विजय का डबल अवतार दिखने को मिलने वाला है, जैसा कि पोस्टर से पहले ही दर्शक अंदाजा लगा रहे थे। इस फिल्म में थालापति विजय का भले ही डबल रोल हो, लेकिन ये जुड़वा भाई की कहानी नहीं बल्कि बाप और बेटे की कहानी है, जो कि एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के बारे में है जो रॉ के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें थालापति विजय का नाम गांधी है। अब बाप और बेटे की जोड़ी क्या कमाल और क्या धमाल मचाएगी, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको शाहरुख खान की फिल्म जवान की याद तो पक्का आएगी। उस फिल्म में भी शाहरुख खान साहब ने बाप बेटे का रोल किया था, वो भी एक कॉप थे, और इस फिल्म में भी थालापति विजय बाप बेटे के रोल में दिखने वाले हैं और इसमें भी वो एक एजेंट है, तो थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी है, क्योंकि ये एक साईफाई फिल्म होने वाली है और इसका बजट 300 करोड़ के आसपास है, और इसके VFX विजुअल्स और एक्शन सीन के बारे में नहीं बताऊंगा तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो इस ट्रेलर में VFX अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन 300 करोड़ वाली फिल्म के लायक नहीं है। विजुअल्स काफी अच्छे हैं, एक्शन सीन में कार वाला सीन अच्छे दिख रहे हैं। एक सीन है जहां थालापति विजय बाइक पर है, कुछ गुंडे उनके पीछे हैं और वो आगे हैं, ऊपर एक प्लेन जा रही है और ट्रेन भी दौड़ रही है। ये वही सबसे टॉप नॉच वाला एक्शन सीन है और ये वही सीन है जिसे देखकर आपको इंटरनेशनल फिल्म होने का फील आने वाला है। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी जो हिंदी वाला ट्रेलर रिलीज किया गया है ना, उसका हिंदी डबिंग एकदम बकवास है। अगर यही फिल्म रिलीज के टाइम हिंदी डबिंग रहा तो भैया मुझे लगता है हिंदी में ये ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन कहीं फिल्म के मेकर्स टीम के मन में ये चल रहा हो कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बात करें इसके डायरेक्शन के, तो वेंकट प्रभु जी ने अच्छा डायरेक्शन किया है। इस ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक उतने अच्छे नहीं है जैसे इनकी ही फिल्म लियो में था, क्या धमाकेदार म्यूजिक था उस फिल्म में। इस फिल्म में थालापति विजय सर के अलावा प्रभु देवा, मीनाक्षी चौधरी, स्नेहा प्रसन्ना, योगी बाबू, जयराम, प्रशांत थाईगराजन और बहुत सारे शानदार एक्टर भी हैं। इस फिल्म का रिलीज डेट 5 सितंबर को रखा गया है, तो उसी दिन पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस पे सुनामी आएगा या छोटे मोटे बारिश से ही काम चल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।